हेलो गाइस, वेलकम टू संदीप सर जी के। आज हम करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चंस। ये रैपिड फायर राउंड रहता है, इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं। ये एक्सप्रेस क्लास है। मॉर्निंग में एक क्लास जीके एक्सप्रेस की होती है जो संदीप सर लेते हैं, वो सुबह मॉर्निंग में 9 o'clock होती है, 9 बजे होती है। और ये जो मैं साइंस के क्वेश्चंस कराती हूँ, सुबह एक आपकी क्लास होती है 9 AM पे, जिसमें आप जीके के क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चन आंसर जो संदीप सर लेते हैं। एक क्लास होगी आपकी 12 PM पे, इसमें साइंस की ये एक्सप्रेस क्लास है जिसमें हम साइंस के क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिसमें मैं सारे टॉपिक कवर करती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट एंड कंप्यूटर्स। कल हमने किए थे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, आज हम फिर से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही करेंगे कंटिन्यू, और उसके बाद फिर हम आगे फिजिक्स, बायोलॉजी सबके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और फिर हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने पहले क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, एक परमाणु के न्यूक्लियस में, नाभिक में होता है, क्या होता है? प्रोटॉन, सेकेंड ऑप्शन न्यूट्रॉन, थर्ड ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फोर्थ ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द राइट आंसर इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं नाभिक में। सेकेंड क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, किसका है? मैग्नीशियम सल्फेट, सेकेंड ऑप्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ ऑप्शन मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वार्ट्स इज मेड अप ऑफ, क्वार्ट्स किससे बना हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट, सेकेंड ऑप्शन कैल्शियम सिलिकेट, थर्ड ऑप्शन सोडियम सल्फेट, फोर्थ ऑप्शन सोडियम सिलिकेट। द राइट आंसर इज सोडियम सिलिकेट से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओजोन डिप्लीटिंग पेस्टिसाइड, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन कीटनाशक है? फर्स्ट ऑप्शन DDT, सेकेंड ऑप्शन बेंजीन, थर्ड ऑप्शन मिथाइल ब्रोमाइड, फोर्थ ऑप्शन इथाइलिन ओजोनाइट। द राइट आंसर इज मिथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज मेड बाय कोटिंग आयरन विथ, गैल्वेनाइज्ड आयरन लोह के साथ कोटिंग करके बनाया जाता है, किसके साथ? पहला ऑप्शन जिंक, सेकेंड ऑप्शन निकेल, थर्ड ऑप्शन क्रोमियम, फोर्थ ऑप्शन सल्फर। ये कल भी मैंने कराया था ये क्वेश्चन, किसका यूज करते हैं हम? जिंक का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच इज अबंडेंट इन गोबर गैस, कौन गोबर गैस में प्रचुर मात्रा में है? कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन मीथेन, थर्ड ऑप्शन ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन हाइड्रोजन। कौन सी गैस है जो बायोगैस में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? द राइट आंसर इज मीथेन। मीथेन, इसको क्या बोलते हैं? मार्श गैस भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द एलिमेंट दैट इज द हाईएस्ट परसेंटेज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, वह तत्व जो पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत में है, कौन सा है? पहला ऑप्शन सिलिकॉन, सेकेंड ऑप्शन ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन मैग्नीशियम, फोर्थ ऑप्शन आयरन। तो सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमें? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर, ओजोन छिद्र का विस्तार अधिकतम कहाँ पे है? अफ्रीका में, सेकेंड ऑप्शन इंडिया डेट इज भारत, थर्ड ऑप्शन अंटार्कटिका, फोर्थ ऑप्शन यूरोप। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है, इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन रिसेंट ईयर्स, हाल में वर्षों में औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि, सेकेंड ऑप्शन हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर, थर्ड ऑप्शन चेकिंग द पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस टू द अर्थ, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश की जांच करना, फोर्थ ऑप्शन सप्लाइंग ऑक्सीजन फॉर पीपल ट्रैवलिंग इन जेट्स, जेट में यात्रा करने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति। ये ऑप्शन तो सबसे ज्यादा गलत है, ये तो होगा ही नहीं। द राइट आंसर इज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे। द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप इज, साबुन पर डिटर्जेंट का लाभ है, क्या लाभ है? फर्स्ट ऑप्शन डिटर्जेंट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, डिटर्जेंट पानी में घुलनशील होते हैं,
सेकेंड ऑप्शन डिटर्जेंट कुड नॉट गिव मच लेथर, डिटर्जेंट ज़्यादा लेथर नहीं दे सकते, मतलब झाग नहीं दे सकते। थर्ड ऑप्शन डिटर्जेंट गिव लेथर इवन विथ हार्ड वाटर, डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ भी ज़्यादा झाग दे सकते हैं। या फोर्थ ऑप्शन सोप गिव्स लेथर विथ ओनली सॉफ्ट वाटर, साबुन केवल शीतल जल में ही झाग दे सकता है। द राइट आंसर इज इट प्रोवाइड लेथर इवन विद द हार्ड वाटर, मतलब झाग जो है वो अपने हार्ड वाटर में भी दे सकता है, कठोर जल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर, ये रिपीटेड है, फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था, सेकेंड ये वाला क्वेश्चन भी सेम है। एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मूलभूत कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, सेकेंड ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, थर्ड ऑप्शन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या फोर्थ ऑप्शन न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अब बताइए आंसर क्या होगा इसका जल्दी से। द राइट आंसर इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, नाभिक में, एक परमाणु की। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज बिकॉज ऑफ इट्स, नम सल्फर डाइऑक्साइड की जल की प्रक्रिया किसकी वजह से होती, कौन से नेचर के कारण होती है। पहला ऑप्शन बेसिक प्रॉपर्टी, सेकेंड ऑप्शन एसिडिक प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑप्शन बुनियादी संपत्ति यानी बुनियादी नेचर के कारण क्षारी नेचर के कारण पे, सेकेंड अम्ली गुण होता है क्षारी गुण, सेकेंड ऑप्शन एसिडिक प्रॉपर्टी डेट इज अम्ली गुण, थर्ड ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑक्सीकरण का गुण, या फोर्थ ऑप्शन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो द राइट आंसर इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, उसको वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये थोड़ा हिंदी में इसका मिस्टेक है, ये नहीं होगा, इसका ट्रांसलेशन देख लेना एक बार, हिंदी में रिड्यूसिंग को क्या बोलते हैं, कल बता दूंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल डिफ्यूज आउट ऑफ फुटबॉल ब्लैडर मोस्ट क्विकली, निम्नलिखित गैसों में से कौन सबसे अधिक तेजी से फुटबॉल से बाहर निकलेगी। द राइट आंसर इज पहले फर्स्ट ऑप्शन हीलियम, सेकेंड ऑप्शन हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन नाइट्रोजन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑक्सीजन। द राइट आंसर इज हाइड्रोजन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल हैज हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट, निम्न क्षार धातुओं में से किसमें उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा होती है। पहला ऑप्शन सीजियम, सेकेंड ऑप्शन रूबीडियम, थर्ड ऑप्शन पोटेशियम एंड फोर्थ ऑप्शन लिथियम। तो सबसे ज्यादा उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा डेट इज हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट किसमें होती है, द राइट आंसर इज लिथियम में होती है। सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है ऊष्मा, लिथियम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑल कार्बन एटम्स आर क्वार्टरनरी इन नेचर, निम्न में से किस पदार्थ में सभी कार्बन परमाणु प्रकृति में विचित्र हैं। क्वार्टरनरी मतलब जो, देखो इसका मतलब होता है कि जब कार्बन की वैलेंसी चार होती है और वो जब चारों के साथ अगर वो किससे अटैच हो, कार्बन से अटैच हो, तो ये उसकी क्वार्टरनरी प्रॉपर्टी होती है। तो किसमें होता है ऐसा, ग्रेफाइट में, डायमंड में, टेफ्लॉन में या नेफ्थलीन में। पहला ऑप्शन ग्रेफाइट, सेकेंड ऑप्शन हीरा, थर्ड ऑप्शन टेफ्लॉन एंड फोर्थ ऑप्शन नेफ्थलीन। क्वार्टरनरी नेचर का मतलब होता है कि जब कार्बन अपने चार बंधों में से कार्बन के साथ ही क्या करता है, बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, ये ऐसा सिर्फ किसमें करता, डायमंड में करता है। क्लियर है, चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। रोज हम यहाँ पे 20 से 25 अप्रॉक्स मतलब 15 to 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जल्दी जल्दी। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और 4 बजे क्लास होती है आपकी क्वेश्चन आंसर मॉक टेस्ट वाली, तो उसमें सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, ये भी सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा करने से ना आपको रिटेन ज़्यादा रहता है माइंड में कि हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ पे पढ़ी थी, और वो पेपर में आती है ना तो हमको तुरंत क्लिक करता है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।